बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है रहमत अल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बायो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग ह्यूमन न्यूरोनल लाइक सेल्स इन दी सिंगल चैम्बर बायोफ्यूल सेल्स। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो अगर आपको पसंद आए इसको लाइक कर देना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी वीडियोस बिल्कुल फ्री में देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बायो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वाज अचीव्ड यूजिंग न्यूरोन लाइक सेल्स कॉल्ड SHSY5Y सेल्स। ये एक सेल्स होते हैं दोस्तों जो कि लाइन इन सिंगल चैम्बर एयर चैटोल्ड फ्यूल सेल्स। तो ये है कि डबल डलबेको मॉडिफाई ईगल मीडियम वाज यूज्ड एज दी कार्बन सोर्स। इस सेल्स का जो नाम है वो है SHSY5Y। ये इस सेल का नाम है जो कि बायो इलेक्ट्रिसिटी सेल्स का नाम है पूरा। बाकी ये है कि ये सेल्स ग्रोन ऑन दी कार्बन क्लोथ वेयर यूज्ड आ नॉन्ड इन दी एक्सपेरिमेंट्स। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और इसको यूज़ कर रहे हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त सेल इन्होंने बनाया है। बाकी ये है कि दी वोल्टेज वाज 96 MV यूजिंग 980U एक्सटर्नल रिसेंसटेंस। एक्सटर्नल रिसेंसटेंस को यूज़ करने के लिए 96 MV और यूजिंग 980 एक्सटर्नल ये यूज़ कर रहे हैं इसके ज़रिए। बाकी ये है कि वोल्टेज लेवल डिक्रीज व्हेन, इसके ज़रिए आप वोल्टेज लेवल को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं यानी कि कम कर सकते हैं। मीडियम वाज रिप्लेस विद द मीडियम कंटेनिंग 4.5 ग्राम L1 ऑफ ग्लूकोस। ग्लूकोस जो है इसमें 4.5 ग्राम मिलाया गया, 4.5 ग्राम लीटर ग्लूकोस इसमें मिलाया गया। मैक्सिमम पावर डेंसिटी करंट डेंसिटी एंड कोलंबिक एफिशिएंसी वेयर मेजर्ड इन 12 MW M2003 MACM2 एंड 15% रिपेक्टिवली। और ये सारा कुछ इसमें चीज़ें मिलाई गई हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं कितने कितने परसेंट मिलाई गई हैं। बाकी ये है कि अनोड बायोफिल्म वाज एग्जाइम्ड यूजिंग अ मल्टी पोटेंशन एंड साइक्लिक वोल्टामेट्री रिजल्ट्स शोड रिडॉक्स एक्टिविटी। द आउटपुट ऑफ द फ्यूल सेल वाज कनेक्टेड टू सर्किट अप टू पावर LED बाय यूजिंग द सर्किट एज अ वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। द रिजल्ट डीमॉन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ह्यूमन न्यूरोनल लाइक सेल्स कैन जनरेट बायो इलेक्ट्रिसिटी इन अ फील सेल टू पावर LEDs। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहता था। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है उसको लाइक कर देना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।